अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे आप लोगों के साथ कोई और वीडियो शेयर करनी थी, बट अभी अभी मेरा ये अली एक्सप्रेस से पार्सल आया है जिसका मैं अप्रॉक्स 2 मंथ से वेट कर रही थी। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मैंने अभी वो वीडियो साइट पर रख दी है, और सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। समटाइम्स अगर अली एक्सप्रेस के पार्सल्स बड़े होते हैं या कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मंगवाई हुई है तो उसमें आपको टैक्स की स्लिप भी साथ मिलती है पोस्टमैन को, और आप जब उसे पे करेंगे तब वो आपको आपका पार्सल दे देता है। मैं 2016 तक बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया करती थी अली एक्सप्रेस से, बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 सालों से मैंने मेरे 2-3 पार्सल मिस हो गए थे। इसके बाद से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, और ये मैंने बहुत हिम्मत करके एक बार फिर अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है। बट इसको भी कोरोना की वजह से तकरीबन 2 महीने हो गए हैं पार्सल रिसीव होने में। मैक्सिमम इनका टाइम 45 डेज का होता है। मैं आपको ये स्लिप इसलिए शो कर रही हूँ कि आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर रीपैकिंग के चार्जेस हैं 15 रुपीज़। तो एक्चुअली जब ये पार्सल पाकिस्तान पहुँचा होगा तो यहाँ की पोस्ट में या फिर जहाँ भी इस पार्सल को खोलकर चेक किया गया होगा, और उन्होंने जो दोबारा इसे पैक किया है तो इस वजह से वो 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। और कभी कभी यहाँ पर जब वो दोबारा पैक करते हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से पैकिंग नहीं होती है जितनी अगर आपको डायरेक्ट अली एक्सप्रेस का पार्सल हाथ में मिलता है। तो उसकी जो प्रॉपर पैकिंग होती है उसमें बॉक्सेस और जितनी भी मैंने आज तक प्रोडक्ट्स ऑर्डर की हैं वो हमेशा बबल रैप में बहुत अच्छी तरह से रैप हुई हुई होती हैं। बट ये ऐसे ही निकला है, आई डोंट नो ये यहाँ पे अनपैकिंग होने के बाद इस तरह से हुआ है या चाइना से ही इस तरह से आया था। मैंने मिल्क फ्रॉथर ऑर्डर किया है। मेरे पास जो पहले का था उसमें मैं 2 बैटरीज डाला करती थी और उससे वो वर्क करता था, बट वो ख़राब हो गया है, मुझे दूसरा चाहिए था। मैंने बहुत हिम्मत के बाद इस बार फिर अली एक्सप्रेस को ट्राई किया है। कोरोना की वजह से शिपमेंट रिसीव होने में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगा है, बट सेलर मुस्तकिल मेरे साथ कांटेक्ट में था और उनके मैसेजेस आ रहे थे कि आपका ऑर्डर कंफर्म है और इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। अब मैं अपना मिल्क फ्रॉथर खोल रही हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया है, सिर्फ अनबॉक्सिंग की है। बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन कार्ड निकला है जिसमें पीछे की तरफ इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, ये किस तरह से वॉश किया जाएगा। सारी डिटेल्स पीछे की तरफ मेंशन थी जो मैं दिखाना भूल गई हूँ। साथ ही इसमें 3 डिफरेंट ऑप्शंस की रॉड्स हैं, और यही मेन रीज़न था कि मैंने इसे ऑर्डर किया था। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इसमें अट्रैक्टिव लगी थी वो ये बीटर का रॉड है। फ्रॉथर तो यहाँ भी अब बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको हर सुपर स्टोर से मिल जाएंगे या फिर किसी भी ऑनलाइन फेसबुक शॉप से भी आपको ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। बट इस फ्रॉथर में आप देख सकते हैं कि नीचे एक तो डबल रिंग है और दूसरा इसमें जो 2 डिफरेंट रॉड्स दी हुई हैं उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था। मैं इसका मशीन निकाल रही थी, मशीन हाथ में लेते ही लग रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और इसके साथ इन्होंने इसका USB चार्जिंग वायर दिया है, ये चार्जेबल है, इसमें बैटरीज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अब मैं इसकी डिफरेंट रॉड्स को लगाकर चेक कर लेती हूँ कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे फिर इसका फीडबैक देना है अली एक्सप्रेस की ऐप पर जाकर। इसके रॉड्स लगाना बहुत ईजी है, बहुत ईजीली इसके रॉड लग भी जाती है और रिमूव हो जाती है, मतलब आप इसे चेंज कर सकते हैं। इस वक्त बिल्कुल खाली मैं इसे चला रही हूँ, इस वक्त ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। बट सही तरह से मैं आप लोगों को जब ही बता पाऊँगी कि कैसा वर्क कर रहा है जब मैं इसे प्रॉपर दूध के साथ या क्रीम के साथ यूज़ करूँगी। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पूरी कोशिश होती है कि उस सेम वीडियो में मैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मेरे पास इस वक्त क्रीम अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मैं बीटर को यूज़ कर नहीं दिखा सकती, वरना मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंप्लीट रिव्यू शेयर करती। और वैसे भी मुझे मिल्क फ्रॉथर और बीटर का तो लग रहा है कि वो बहुत अच्छी तरह से वर्क कर जाएगा, बट मुझे ये थोड़ा सा डो की जो हुक है उसके ऊपर डाउट है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी डो हुक लगाने के बाद आटे को गूंथते हैं तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आटा जैसे जैसे गूंदना शुरू होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा शेक करता है और आपकी मशीन थोड़ी मूव करने लगती है। तो ये हाथों की मदद से बहुत पतली सी रॉड के साथ आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर नीड कर पाएगा। इसमें 3 स्पीड्स हैं, आप देख सकते हैं, सिंगल बटन से ही आप 2 बार प्रेस कर इसकी मीडियम और 3 बार प्रेस कर इसकी फास्ट स्पीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो बॉक्स है इस पर भी इन्होंने सिर्फ 2 हुक्स के बारे में ही बताया है। सबसे ऊपर वाली पिक में इन्होंने शेयर किया है कि आप इस बीटर की हेल्प से क्रीम को अच्छी तरह से विस्क कर सकते हैं,
बीच में फ्रॉथर दिखाया है, मिल्क फ्रॉथर, जिसकी हेल्प से कॉफ़ी या मिल्क शेक्स वगैरह आप इजीली बना सकते हैं। और लास्ट में डो हुक की बजाय दोबारा से बीटर शो किया है कि इससे आप एग्स को भी बहुत इजीली बीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह का मिल्क फ्रॉथर यूज़ किया है जिसमें डिफरेंट हुक्स होती हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कोई टिप और ट्रिक है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ लाइक्स मिल गए तो इंशाल्लाह फिर एक बार हिम्मत करकर AliExpress से कुछ ना कुछ ज़रूर ऑर्डर करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब आते हैं हम इसकी प्राइसिंग की तरफ, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर दिखा देती हूँ कि मैंने ये कितने का परचेज़ किया था। मैंने AliExpress की ऐप से इसे ऑर्डर किया था, क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसकी पेमेंट हो जाती है। आज का मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये इस वक्त $11.39 का अवेलेबल है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी। मैंने AliExpress पर बहुत सारी शॉप्स के ऊपर पहले सर्च किया था कि इसके रेट्स कहाँ पर मुझे कम नज़र आएंगे, बट हमेशा पहले ये भी प्रेफर किया कीजिए कि जिस शॉप से आप ऑर्डर कर रहे हैं उसके रिव्यूज़ और स्टार्स कैसे हैं। बहुत सी शॉप्स पर इसका रेट बहुत कम था बट वहाँ के रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं थे और स्टार भी बहुत कम थे। इस शॉप का मुझे रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि तकरीबन तमाम कस्टमर्स के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। बट इस शॉप पर इन्होंने शिपमेंट लगाई हुई थी, बट मैंने इस वजह से ऑर्डर प्लेस किया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास $3 का एक कूपन मौजूद था। AliExpress से पहले चीज़ें परचेज़ करने में बहुत मज़ा आता था क्योंकि बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती थी क्योंकि हमारे पास डॉलर इतना ज़्यादा हाई नहीं था उस वक्त। अब सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है और उस वक्त फ्री शिपिंग बहुत ज़्यादा थी और अब तकरीबन तमाम शॉप्स के ऊपर इन्होंने शिपमेंट लगा दी है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।